हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आई साइट वीक होना आजकल बहुत ही कॉमन बात हो गई है दोस्तों। आई में पेन होना, आई इचिंग होना, जिससे कभी कभी हमारे सिर में भी दर्द उठने लगता है। और कभी कभी ये होता है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी आई साइट नेचुरली ब्लर होती रहती है। लेकिन आजकल बच्चों से लेके एडल्ट तक ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में वेरी सिंपल एंड वेरी इफ़ेक्टिव स्टेप्स बताऊंगी, जिसकी वजह से नेचुरली आपकी आईसाइट इम्प्रूव होने लगेगी। साथ ही दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ उनको रेगुलर फॉर्म में आपको फॉलो करना है। इससे आपको जल्द ही रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत खुश होने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, आई वॉश रूटीन। हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने माउथ को वाटर से पूरी अच्छी तरीके से फिल कर लेना है, जिससे हमारी आई जो होगी अच्छे से एक्सपांड हो जाएगी प्रॉपरली। उसके बाद में कोल्ड वाटर से अपने आईज़ को स्प्लैश करना है, उसको अच्छे से धोना है। इससे आपको इंस्टेंट कूलिंग मिलेगी और आपकी आईज़ में बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और साथ ही ये स्टेप आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। जब भी आपको आई में इचिंग हो रही हो या आई में पेन हो रहा हो, तो ये एक नेचुरल तरीका है जिससे कि आपको आई में बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, आई न्यूट्रिशन। हमें लेना है गुरबंदी आमंड्स। ये एक स्मॉल साइज़ के आमंड्स होते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई एंड अदर न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हमारी आई के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके साथ ही हमें लेना है 4 सीड्स ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्च के 4 सीड्स और लिटिल बिट मिश्री। इन तीनों को अच्छे से क्रश करना है प्रॉपरली। जब ये अच्छे से क्रश हो जाए, उसके बाद दोस्तों हमें लो फ्लेम पर एक पतीले में 1 ग्लास दूध डालना है और साथ ही 1 टेबल स्पून ये मिक्सचर हमें उसमें मिक्स करना है और 10 मिनट तक उसे बॉईल करना है। 10 मिनट बाद जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो हमें इसको स्ट्रेन आउट नहीं करना है। याद रखें दोस्तों, इसे छानना नहीं है। अब इसे ग्लास में फिल कर लीजिएगा दोस्तों और इसे सिप बाय सिप अच्छे से धीरे धीरे ड्रिंक कीजिएगा। साथ ही एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, आज की जो हमारी जनरेशन है और हमारा जो रूटीन है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क हमें करने होते हैं। लैपटॉप पे काम करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, तो बीच बीच में हमें ब्रेक्स लेते रहना है, अपनी आई को क्लोज करके थोड़ा उसे रिलैक्स करना है, बीच बीच में पानी हमें पीते रहना है और अपनी पाम्स को रब करके अपनी आईज पे रखना है। इससे आपको आई को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड whenever यू फ्री डू एक्सरसाइज, मूव योर pupil अराउंड। इससे आपकी आई की मसल की एक्सरसाइज होगी, आपको बहुत रिलैक्स मिलने वाला है दोस्तों। प्लीज़ ये स्टेप भी आप स्किप मत कीजिएगा, ये आपको रूटीन में फॉलो करते रहना है। सो दोस्तों, साथ ही हमें अपनी कुछ हैबिट्स जो है रूटीन में लानी होगी, जैसे कि अवॉइड वॉकिंग barefoot। इससे हमारी आई मसल्स वीक होती है। हमें आईज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिंक करते रहना है, क्योंकि हमारी आईज़ जो है हवा की वजह से जल्दी ड्राई होने लगती है। नेक्स्ट, अवॉइड डिम लाइट्स। हमें डार्क रूम में सोना चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी आईज़ को हीट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इसलिए जब भी हम बाहर जाएं तो हमें सनग्लासेस को पहनकर बाहर जाना चाहिए। दिन में एक आंवला ज़रूर खाएं, ये हमारी आईज़ के लिए एक्सेलेंट होता है। साथ ही हमें कैरेट, घी, मूंग दाल, ये भी हमें अपनी डाइट में लाना है, जिससे हमारी आई साइट बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है दोस्तों। उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी, जब भी आप फ्री हो और आपके आसपास कहीं गार्डन हो या आपके घर में ही अगर हरी धूप, हरी घास हो, तो आप उस पर नंगे पैर ज़रूर चलेगा स्लोली स्लोली। दिन में एक बार ये ज़रूर कीजिएगा, ये चीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है दोस्तों। इसे अवॉइड मत कीजिएगा, प्लीज़ इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी आई साइट में जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है। सो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी मोटी हैबिट्स जो हमें अब अपने रूटीन में फॉलो करनी है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं मातृफला घृत का। जब हम सोने जाते हैं, उससे आधे घंटे पहले हमें 1 टेबल टीस्पून जो है हमें मातृफला घृत लेना है। उसमें 250 मिलीग्राम समय अदरक भस्म लेनी है और इन दोनों को मिक्स करके दूध के साथ हमें इसे लेना है। ये जो मातृफला घृत है, ये घी और बहुत सारी हर्ब्स का कॉम्बो होता है,
और जो अदरक भस्म होता है ये हाईली इफेक्टिव होता है हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करने का। तो इन दोनों का जो कॉम्बो अब जब हम दूध के साथ लेते हैं तो ये दोनों मिलकर हमारी आईसाइट को हीट और ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करते हैं। महा त्रिफला ग्रिज जो है दोस्तों, इसकी कुछ ड्रॉप्स हमें अपने पाम में लेनी है और अब हमारा जो पैर का तलवा है, जो सोल है पैर का, वहाँ पे उसको मसाज देनी है। इससे क्या होगा, जो हमारी पैर के सोल है वहाँ पे जो नर्व्स होती है वो हमारी ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट होती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंस्टेंट इंक्रीज होगा, जो हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करता है। सो दोस्तों, अब हमारा लास्ट स्टेप आता है, ये भी माँ त्रिफला घृत का ही है। इसमें हमें अपनी आई में दो दो ड्रॉप्स माँ त्रिफला घृत की डालनी है और 10 मिनट तक आईज़ को क्लोज करके हमें लेटे रहना है। फिर जब हम अपनी आईज़ को खोलेंगे तो हमें कुछ टाइम के लिए ब्लरी ब्लरी सा नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो दोस्तों, गुरबंदी आमंड, महा त्रिफला घृत और कुछ स्टेप्स जो मैंने आपको रूटीन में लाने के लिए कहा है, अगर इन तीनों चीज़ों को आप रेगुलर फॉर्म में फॉलो करते हो तो आपकी आईसाइट को इम्प्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अपनी आईज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार जब हमारी आई वीक होने लगती है तो वो वीक से वीक होने लगती है अगर हम इस पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।